समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करता था। पर उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो सजा सिर्फ एक ही होती थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो उस आदमी को, जिसने भी गलती करी चाहे वो कोई भी हो, उन 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। और जो कुत्ते थे वो उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे, उस इंसान को इस तरीके से तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। अब चाहे गलती किसी से भी हो, सबके लिए गलती की एक ही सज़ा है। अब सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। अब होता क्या है, एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, एक गलती हो जाती है, और वो गलती होती है हिसाब के अंदर। जब राजकोष की बात आती है तो हिसाब में गलती हो जाती है। अब जो महामंत्री है वो राजा से माफी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर राजा बोलता है कि आपको तो पता ही है महामंत्री, हमारे यहां गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी, आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा के ऊपर बहुत गलत मैसेज जाएगा, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता लगता है कि उसे भी वही सजा मिलने वाली है कि 10 जंगली कुत्तों के सामने उसे भी डाल दिया जाएगा, तो राजा से बोलता है कि प्रभु मेरी आखिरी इच्छा है। अब राजा बोलता है आखिरी इच्छा है, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। वो महामंत्री राजा को बोलता है आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि आप मुझे कुत्तों के सामने डाल देना, पर मुझे आप 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, आप मुझे 15 दिन के बाद सजा दे दीजिए, मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, मैं राज्य के अंदर ही रहूंगा, आप मुझे सिर्फ 15 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं 15 दिन और जिंदा रहना चाहता हूं। अब राजा बोलते हैं ठीक है, यह बात मैं तुम्हारी एक्सेप्ट कर सकता हूं, 15 दिन के बाद तुम्हें सजा दी जाएगी। अब 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। अब राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को उन कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। अब जो बेड़ा होता है जिसके अंदर उस कुत्तों के सामने महामंत्री को डाला जाएगा, महामंत्री को अंदर छोड़ दिया जाता है। पर राजा देखता क्या है ऊपर से कि महामंत्री को कुत्ते काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। राजा को समझ नहीं आता उसके जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। अब राजा हैरान हो जाता है और नीचे महामंत्री मुस्कुरा के बोलता है प्रभु मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। अब राजा बोलता है आओ ऊपर आओ वापस आओ। अब उसे दोबारा से सभा में बुलाता है और राजा के सामने महामंत्री आके खड़ा हो जाता है। अब बोलता है प्रभु मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा करी, इनके साथ एक रिलेशन बनाया, इनको नहलाया, इनको खाना खिलाया, इनके साथ मैं रहा, इनको खिलाया मैंने, और इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ये मुझसे अब प्यार करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है पर मेरे वचन का क्या होगा। महामंत्री बोलता है आपका वचन था कि कुत्तों के सामने आप डालेंगे, बट आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो एक अलग बात है। तो राजा मुस्कुरा के बोलता है अच्छा अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री बोलता है महाराज मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, उन कुत्तों की तो मैंने सिर्फ 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और मैंने जो आपके साम्राज्य के लिए सालों की सेवा करी आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया, ये मुझे बहुत बुरा लगा। वेल, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है, हम लोगों के लिए ज़िंदगी भर बहुत कुछ करते हैं पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए कुछ दिन आप कर दो तो उसके लिए आप भगवान रूप बन जाते हो। वेल, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो अपना इंसिडेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लोगों को भी आपके इंसिडेंट पढ़ के बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है एंड लोगों को भी समझ आता है कि इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अगर आपको भी लगता है कि हर तरीके के लोग हैं तो भी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए, सो दैट आपके शेयर से कुछ और लोगों का भी हृदय परिवर्तन हो पाए।
फाइनली अगर आप चैनल पर पहली बार आए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो देयर इज अ ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल करना है और हमारे काउंसलर से बात करनी है। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर हमने आपके लिए एक स्कॉलरशिप ऑफर भी लॉन्च किया है, एंड खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप हमारे काउंसलर से बात कीजिए, उन्हें अपनी डिटेल्स दीजिए, एंड अगर आप एलिजिबल होंगे स्कॉलरशिप के लिए तो आपको इस ट्रेनिंग कोर्स पे बहुत जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। सो फाइनली आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल द टाइम यू शेयर दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।